मैंने 6 जनवरी से चालू की थी और अभी तक 12 पार्ट बना लिए हैं, और इसमें मैं डेली आपको जो भी वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और जो भी कंस्ट्रक्शन की लेटेस्ट वैकेंसीज आ रही हैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ। साथ ही साथ जिस कंपनी में वैकेंसी आई हुई है उस कंपनी का पूरा रिव्यू देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो क्या आपको ये कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। और उस कंपनी से रिलेटेड पूरी जानकारी भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं और थोड़ी सी सैलरी के लालच में यदि दूसरी कंपनी स्विच करना चाह रहे हैं तो इससे पहले आप सतर्क हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई है दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई हुई है, ये वैकेंसी दोस्तों गेमन में आई हुई है, गेमन इंडिया में, गेमन इंजीनियर्स में ये वैकेंसी है। और गेमन इंजीनियर्स में थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, कुछ वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जिसको मैं डिस्कस करूँगा लास्ट में, इसके रिव्यूज़ लेंगे कंपनी के बारे में, ठीक है। तो अगर कुछ लोग पहले से अच्छी जॉब में हैं तो इस कंपनी का आप अवॉइड कर सकते हैं, और अदरवाइज़ यदि आपके पास अनअवॉइडेबल सिचुएशन बन रही है तो आप इसे अपना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस कंपनी में जो है पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2007 से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है 3,919 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर 2 गीगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी, उसके लिए पावर प्लांट बनाया जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया जा रहा है, और ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। पार्वती कोल्ड टैंक प्रोजेक्ट के ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट में मैंने 2015 में काम किया हुआ है, और वहाँ पर हमने ट्रांसमिशन लाइन के ECE में उसमें मैं इंजीनियर था, तो वहाँ पर हमने काम की थी। तो हम कुल्लू में इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है। ये जो वैकेंसी आई है दोस्तों, ये असिस्टेंट मैनेजर HR के द्वारा पोस्ट की गई है, और ये वैकेंसी आई है निचल परेरा जो कि HR मैनेजर हैं, उन्होंने ये वैकेंसी पोस्ट की है, ठीक है। इसका मेरे पास मेल आया हुआ था, ठीक है। और इसमें जो वैकेंसी आई है, पहली वैकेंसी है प्लानिंग इंजीनियर के लिए, तो प्लानिंग इंजीनियर के लिए 3 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है, और ये एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस चाहिए है, और इसकी लोकेशन पार्वती रहेगी, ठीक है, पार्वती कुल्लू, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर की वैकेंसी है, तो कॉमर्शियल्स में एक्सपीरियंस रखते हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी भी लोकेशन जो है पार्वती कोल्ड डैम रहेगी, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर में वैकेंसी है, तो इसका एक स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लुधियाना में भी चल रहा है, और इसी स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इसमें वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों वाराणसी में मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, एलिवेटेड मेट्रो प्रोजेक्ट, और उसी प्रोजेक्ट के लिए गर्डर लॉन्चिंग से रिलेटेड वैकेंसी आई हुई है, और इस वैकेंसी के लिए इसमें जो है गर्डर लॉन्चिंग इंजीनियर की वैकेंसी है, 4 to 7 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है। और फिर लास्ट में है एक सुपरवाइजर सिविल के लिए वैकेंसी, जो कि ब्रिज के लिए 3 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है, सुपरवाइजर सिविल के लिए ब्रिज का काम है, और इसकी जो लोकेशन रहेगी, इसकी लोकेशन रहेगी बागचल हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये भी शायद हिमाचल में ही है, तो वहाँ के लिए सुपरवाइजर सिविल की वैकेंसी है। अब इसे अप्लाई करना है तो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप वीडियो में जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, या फिर मेरी वेबसाइट है technicalviru.in, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और अब चलिए थोड़ा सा इसके कंपनी के प्रोफाइल की बात करें, तो ये कंपनी जो है ये अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, थर्मल, पाइपलाइन स्ट्रक्चर, इरीगेशन और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे काम है, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसके रिव्यूज़ करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ निगेटिव पॉइंट है, कुछ प्लस पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी में एक सबसे बड़ी समस्या है सैलरी की, ठीक है। यहाँ पर जो सैलरी है वो 3 से 4 महीने तक डिले हो जाती है, ठीक है, 3 से 4 महीने तक यहाँ पर सैलरी डिले हो सकती है। और जो होता है PF जो होता है वो भी जो होता है लगभग 1-1 साल तक डिपॉजिट नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, यहाँ पर कैरियर ग्रोथ जो है काफ़ी स्लो होती है, और जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी पुअर है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे, सॉरी ये नेगेटिव पॉइंट्स थे, पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको दोस्तों सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और यहाँ पर वर्कलोड जो है काफ़ी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग जो होता है वो स्ट्रिक्ट होती है, आपको अननेसेसरी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको वर्क और लाइफ बैलेंस भी अच्छा मिल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं सैलरी की तरफ, ठीक है। तो सैलरी के लिए दोस्तों यहाँ पर अगर सिविल इंजीनियर है जिसको लगभग 2 साल से 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैक्सिमम सैलरी इसकी 5.5 लाख LPA तक जा सकती है। अगर फोरमैन है जिसको 11 साल का एक्सपीरियंस है, तो फोरमैन को भी अच्छी सैलरी है, 7 लाख LPA, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर है, तो कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर को 2-3 साल के एक्सपीरियंस में 5.5 लाख का पैकेज मिल जाता है, और सुपरवाइज़र को 1.5 LPA का पैकेज मिलता है, 1.5 लाख 1 साल में मिलेगा सुपरवाइज़र को। और इंटरव्यू की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है जनरली इसके इंटरव्यू लिंक्डइन से होते हैं, डायरेक्ट मेल से भी हो जाते हैं, और इनके जो हैं कंसल्टेंट हैं
रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, उनसे भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। और यहाँ पर भी 2-3 राउंड होते हैं, टेक्निकल HR राउंड होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो होता है टनल से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और तो दोस्तों ये रहा आपका आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी जानकारी इधर उधर से इकट्ठी करनी पड़ती है। तो चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।